भारत के लिए वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए हैं, चलिए आज देखते हैं। नंबर 10 पर है कपिल देव। कपिल देव ने भारत के लिए वनडे वर्ल्ड कप में 1979 से लेकर 1992 के बीच कुल 26 मैच खेले हैं। इस बीच उनके बल्ले से 24 पारियों में 37 की औसत से टोटल 669 रन बनाए हैं। नंबर 9 पर है युवराज सिंह। युवराज सिंह ने वनडे वर्ल्ड कप में भारत के लिए 2003 से लेकर 2011 के बीच टोटल 23 मैच खेले। इस बीच उनके बल्ले से 21 पारियों में 52 की औसत से 738 रन निकले। नंबर 8 पर है भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी। एमएस धोनी ने भारत के लिए वनडे वर्ल्ड कप में 2007 से लेकर 2019 के बीच टोटल 29 मुकाबले खेले। इस बीच उनके बल्ले से 25 पारियों में 43 की औसत से टोटल 780 रन निकले। नंबर 7 पर है भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने वनडे वर्ल्ड कप में भारत के लिए 1987 से लेकर 1999 के बीच टोटल 30 मैच खेले। इस बीच उनके बल्ले से 25 पारियों में 39 की औसत से 826 रन निकले। नंबर 6 पर है वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग ने भारत के लिए वनडे वर्ल्ड कप में 2003 से लेकर 2011 के बीच टोटल 22 मुकाबले खेले। इस बीच उनके बल्ले से 22 पारियों में 38 की औसत से टोटल 843 रन निकले। नंबर 5 पर है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ ने वनडे वर्ल्ड कप में भारत के लिए 1999 से लेकर 2007 के बीच टोटल 22 मुकाबले खेले। इस बीच उनके बल्ले से 21 पारियों में 61 की औसत से टोटल 860 रन निकले। नंबर 4 पर है टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने वनडे वर्ल्ड कप में भारत के लिए 2015 से लेकर अभी तक 17 मुकाबले खेले हैं। इस बीच उनके बल्ले से 17 पारियों में 65 की औसत से टोटल 978 रन निकले हैं। नंबर 3 पर है भारत के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली ने वनडे वर्ल्ड कप में भारत के लिए 1999 से लेकर 2007 के बीच टोटल 21 मुकाबले खेले हैं। इस बीच उनके बल्ले से 21 पारियों में 55 की औसत से टोटल 1006 रन निकले हैं। नंबर 2 पर है दारण मशीन विराट कोहली। विराट कोहली ने भारत के लिए वनडे वर्ल्ड कप में 2011 से लेकर अभी तक टोटल 26 मुकाबले खेले हैं। इस बीच उनके बल्ले से 26 पारियों में 46 की औसत से 1030 रन निकले हैं। एंड गाइस, नंबर 1 पर है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने भारत के लिए वनडे वर्ल्ड कप में 1992 से लेकर 2011 के बीच टोटल 45 मुकाबले खेले हैं। इस बीच उनके बल्ले से 44 पारियों में 57 की औसत से 2278 रन निकले हैं। और सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी है।